स्टूडेंट यस बेटा, हमारा चैप्टर फोर्थ स्टार्ट था। आज हम टॉपिक करेंगे हाउ टू इंसर्ट वीडियो क्लिप्स। हमने साउंड इंसर्ट करना देख लिया था, आज हम वीडियो क्लिप्स को कैसे इंसर्ट करते हैं ये देखेंगे बेटा। वीडियो क्लिप्स कैन मेक योर प्रेजेंटेशन मोर लेवली एंड अप्लाइंग टू द ऑडियंस टू इंसर्ट एंड एडिंग वीडियोस क्लिप्स टू आवर प्रेजेंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप। देखिए बेटा, जो वीडियो क्लिप्स हैं ये हमारी प्रेजेंटेशन को मोर अट्रैक्टिव करती है, जिससे ऑडियंस क्या कर सकती है, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सकती है, ऑडियंस को वो अच्छी फीलिंग्स दे सकती है, मीन्स वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में परफेक्ट हो जाती है। यस, स्टेप फर्स्ट, गो टू द इंसर्ट टैब एंड चूज वीडियो फ्रॉम द मीडिया ग्रुप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में से चूज करेंगे वीडियो, और वीडियो में से मीडिया ग्रुप। ओके, यस। स्टेप सेकंड, इन एन इंसर्ट डायलॉग बॉक्स विल अपेयर ऑन द स्क्रीन। इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है। सेलेक्ट द डिजायर क्लिप एंड क्लिक ऑन इंसर्ट। और इसके बाद हम जो भी क्लिप है उसको सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। इन द सेम वे यू मे ऑल्सो ऑल क्लिप आर्ट वीडियोज टू योर स्लाइड्स। स्टेप फोर, यू विल ऑब्जर्व दैट फॉर्मेट एंड प्ले बैक टैब्स अपेयर वेन एवर इंसर्टेड वीडियो इज क्लिक्ड। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि हमने जो भी वीडियो क्लिप डाली है वो परफेक्ट है, उसकी साउंड परफेक्ट आ रही है। देखिए इस तरीके से ये वीडियो क्लिप इंसर्ट करी हमने। यस, स्टेप फाइव, द वीडियो कैन बी फॉर्मेटेड बाय गोइंग टू द फॉर्मेट टैब एंड चूजिंग फ्रॉम द मैनी ऑप्शन गिवन। इसके बाद हम जब वीडियो इंसर्ट कर देते हैं, क्लिप इंसर्ट कर देते हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनमें से हम उन्हें भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो हमें ठीक लगता है। स्टेप सिक्स, क्लिक ऑन द वीडियो क्लिप्स एंड देन द प्ले बटन बिलो द क्लिप। और देखिए, जैसे वीडियो क्लिप पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें हम प्ले का ऑप्शन होगा ये, और ये पॉज का। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पॉज हो जाएगा, और इस पर वापस क्लिक करेंगे तो प्ले हो जाएगा। और इससे हम वीडियो को देख सकते हैं कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वीडियो परफेक्ट रन है, और अगर ऐसा है तो हम उसे डिलीट करके दूसरी वीडियो भी लगा सकते हैं। यू विल सी दैट द वीडियो स्टार्ट्स प्लेइंग एंड ऑल्सो द टाइमलाइन नियर द प्ले बटन स्टार्ट ऑडियंस एडवांसिंग। यू मे ऑल्सो क्लिक एनीवेयर ऑन द टाइमलाइन टू मूव द दैट पार्ट ऑफ द वीडियो। और हम जो ये टाइमलाइन चल रही है इसमें कहीं भी जाकर क्लिक करेंगे तो उसी पार्ट पर जाकर वो ओपन हो जाएगी, और वहीं से ओपन होगी जिस टाइमिंग से वो ओपन है। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू यूज एक्शन बटन। अब एक्शन बटन को कैसे यूज करते हैं, यस, इन पावर पॉइंट वी कैन इंसर्ट अ लाइक टू अ वेब पेज स्लाइड इन सेम प्रेजेंटेशन स्लाइड्स इन अनदर प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा यूजिंग बाय एक्शन बटन। यस, इनबिल्ट बटन शेप्स दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म एक्शन लाइक प्ले, साउंड, रिडायरेक्ट टू अनदर स्लाइड एक्सेट्रा और कॉल्ड एक्शन बटन। क्लिकिंग सच बटन विल केज द एक्शन टू अक्योर। टू यूज़ द एक्शन बटन फॉलो द गिवन स्टेप। अब देखिए, जो एक्शन बटन है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए स्टेप्स देखते हैं। यस, स्टेप फर्स्ट, ओपन एनी ऑफ योर एग्जिटिंग प्रेजेंटेशन एंड गो टू द इंसर्ट टैब। देखिए, जो भी हमारी प्रेजेंटेशन है उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, उसके इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। गो टू द इंसर्टेशंस ग्रुप एंड क्लिक ऑन शेप ड्रॉप डाउन एरो, चूज द एक्शन बटन यू वांट टू फ्रॉम द लिस्ट। इसके बाद एक ऑप्शन आता है शेप, शेप में से हम उस शेप पर क्लिक करने के बाद उसमें से जिस भी शेप को हमें लेना है उस पर क्लिक करेंगे, और उससे क्या हो जाएगी, शेप सेलेक्ट हो जाएगी। देखिए ये शेप। स्टेप टू, लेट अस चूज द एक्शन बटन एंड ऑप्शन, यू विल सी दैट योर पॉइंटर चेंज टू प्लस शेप। जैसे आप एक्शन बटन पर क्लिक करते हैं तो वो क्या कर देता है बेटा, शेप का जो प्लस है उसको चेंज, जो आया अपना कर्सर है उसको चेंज कर देता है, और प्लस के
उस फॉर्म में आ जाता है। स्टेप थर्ड, क्लिक एंड ड्रैग द माउस डायगोनली द एक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स विल अपेयर व्हेन द बटन रिलीज। और देखिए हम उस शेप पे जो भी शेप है उस पे क्लिक करेंगे और उसे ड्रैग करेंगे तो वो एक्शन बटन डायगोनली क्या हो जाएगा बेटा, सेट हो जाएगा और जैसे ही हम उस बटन को, माउस के बटन को रिलीज करेंगे वो हाईलाइट होगा। यस। स्टेप फोर, चूज द माउस क्लिक इफ़ यू वॉन्ट द एक्शन टू बी परफॉर्म वैन एक्शन बटन इज क्लिक्ड और माउस ओवर टैब इफ यू वॉन्ट द एक्शन टू बी परफॉर्म वैन माउस इज हावर्ड ओवर द एक्शन बटन। स्टेप फाइव, गो टू द एक्शन ऑन क्लिक सेक्शन, चूज हाइपरलिंक टू एंड द क्लिक एंड ड्रॉप डाउन। देखिए अब ये इस ऑप्शन, हमने एक्शन सेटिंग पर गए, इसमें हमने हाइपरलिंक लगा दिया। जैसे हम वेबसाइट ओपन करते हैं कोई भी वेबसाइट, तो उसमें देखना आपको कुछ टेक्स्ट तो ब्लैक कलर में राइट देखेंगे, कुछ ब्लू कलर में, और उनके नीचे एक अंडरलाइन होता है। अब वो उस अंडरलाइन वाले पे जब जैसे ही हम कर्सर को लेके जाते हैं तो वहाँ पर आइकन चेंज हो जाता है या वहाँ पर एक हैंड का आइकन आ जाता है जिससे हमें यह बताता है कि अभी इस जो ऑप्शन है इसमें और भी फाइल्स हैं, आप इस पर क्लिक करिए और आपको और मैटर मिलेगा। तो हाइपर लिंक का मीन्स ये होता है कि किसी भी टॉपिक में और भी डिस्क्रिप्शन है उस पर क्लिक करके हम उसे देख सकते हैं। यस। स्टेप सिक्स, चेक द प्ले साउंड चेक बॉक्स इफ अ साउंड शुड बी प्लेड व्हेन द एक्शन बटन इज क्लिक्ड। स्टेप सेवन, नाउ स्टार्ट द स्लाइड शो एंड क्लिक हावर वेरी ओवर एक्शन बटन टू सी द एक्शन। यस बेटा, अब देखिए हमने हाइपरलिंक वेब पेज डिज़ाइन करना है, इसमें किस तरीके से हम रखेंगे उसे, ये सब देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, हाउ टू इम्पोर्ट डाटा फ्रॉम द वर्ल्ड। थैंक यू।